पापा पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं तुझे क्या बात करनी है। एक घिसी पिटी बाइक की बात होगी और क्या। पापा, अरे सनी कुछ कह रहा है, सुन रहे हो? बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सुन रहा हूं मैं। पापा मुझे बाइक लेनी, मुझे पता था ऐसी कोई बात होगी, तुम्हारी सोच इसके ऊपर उठी ही नहीं है। 3-4 महीने रुक जा, बाद में देखेंगे। आपने 3-4 महीने पहले भी यही कहा था। मेरे सारे दोस्तों के पास नई बाइक है, मेरे पास 4 साल पुरानी बाइक है जो स्टार्ट होने में भी वक्त लेती है, बहुत आवाज करती है, उसकी हेडलाइट कमजोर है, उसको पिकअप भी नहीं। मम्मी आप कहो ना पापा से। मैं क्या कहती हूँ, अगर सन्नी कह रहा है तो एक बाइक लेकर दे दो ना। एक बाइक लेकर दो ना, वो जीन पैंट लेने की बात नहीं कर रहा है, बाइक लेके देने की बात कर रहा है। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, समझी? हाँ, मैं जानती हूँ कि वो बाइक लेने की बात कर रहा है। अभी 3 साल पहले उसे 80,000 की बाइक लेके दी है। 3 साल नहीं, 4 साल। हाँ हाँ, 4 साल। तो क्या 4 साल में कोई बाइक बदलता है? मम्मी पापा ने पहले भी 2 बार बाइक के लिए यही लॉन्ग डिस्कशन किया है और आखिर में पुरानी बाइक को रिपेयर करके चलवाने को कहा है। एक ही तो बेटा है, अगर उसकी भी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए तो क्या फायदा ऐसा पैसे कमाने और सेविंग करने का? बस अपने बेटे की वकालत करना शुरू कर दी। इसमें वकालत की क्या बात है, कितने दिन से कह रहा है कि बाइक लेकर दो, नई बाइक लेकर दो, लेकिन आप है कि टालते ही जा रहे हैं। अब तो डिसाइड कर ही लो। क्या यही कि इसके लिए कौन सी बाइक लेनी है? मैंने पसंद कर ली है, बहुत बढ़िया बाइक है। कोई बाइक नहीं लेनी है अभी। जब तक बाइक लेकर नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तुम भी बच्चे के साथ बच्ची बन रही हो तो आप भी तो फालतू की जिद कर रहे हैं। अगर बेटा कह रहा है कि बाइक लेकर देनी है तो लेकर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे सब कुछ देखना पड़ता है, कितना बजट की है, पूछो तुम्हारे लाडले से कौन सी बाइक पसंद की है। हार्ले डेविडसन कितने सीसी की है? 750 सीसी। और कौन सा मॉडल है? स्ट्रीट 750। माइलेज कितना है? पापा 25 की है, सारे स्पेसिफिकेशन मैंने चेक कर लिए हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है। 25 का माइलेज? हम नहीं, वो तो पापा ज्यादा सीसी की बाइक है तो माइलेज में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। और प्राइस क्या है? सिर्फ 7 लाख रुपए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? सिर्फ 7 लाख रुपए? सिर्फ 7 लाख? सुन रही है इसकी फरमाइश? अपने आप को राजा महाराजा समझता है? मैं अभी तक 6 लाख की कार चलाता हूँ, तुझे 7 लाख की बाइक चाहिए? 7 लाख में कितने जीरो होते हैं पता भी है तुझे? बेटा वो ये क्या बात है, मुझे दोस्तों के सामने नीचा देखना पड़ता है इस पुरानी बाइक की वजह। अगर दोस्तों के सामने ऊंचा देखना है तो खुद कमाकर बाइक खरीदो, पता चलेगा खुद के पैसे की कितनी वैल्यू होती है, समझे? कोई मम्मी मम्मी नहीं, चुपचाप इस बाइक से काम चलाओ, सर्विस सेंटर में देकर सर्विसिंग करा लो और जो भी बाइक की प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक करवा लो। ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए लगेंगे, समझे? लेकिन आज के बाद ऐसी फालतू बात पे डिस्कशन नहीं चाहिए, समझे? दोस्तों अब आप ही बताइए मैं अपने पापा को कैसे मनाऊं। अपने आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।